बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम में अगर आप 15,000 या 10,000 एड्स अर्पी लेगा तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नो जॉब्स अवेलेबल या कोई आप लेवरी चेंज करेगा तो यही प्रॉब्लम आती है। अगर आप जो है टूल प्लाजा फायर करेगा तो आपके पास यही प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ वीडियो के अंदर आपको दो वीडियो शो हो रहा है, ठीक है। एक वीडियो के अंदर जो है मेरे पास यही प्रॉब्लम शो हो रहा है, ठीक है। एक वीडियो के अंदर मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लेवरी को चेंज कर दूंगा, लेवरी मतलब सही तरीके से चेंज हो जाती है। एक वीडियो के अंदर मैं जब लेवरी चेंज करूँगा तो यही प्रॉब्लम आती है, या मतलब मैप डाउनलोड करूँगा तो यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आज जो है मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा। इस वीडियो के बाद जो है आपको जो है 15,000 जो रिवार्ड अर्पी है वो आपको 100% मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, शर्त ये है वीडियो को आपने लाजमी से देखना है। मैं आपको नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो या लाइक कर लो, सिर्फ तरीका आप सीख लो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी उसके बाद वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को जो है आपने ध्यान से देखना है, बाद में आपने मुझे कमेंट नहीं करना है कि वर्क नहीं कर रहा है या तरीका समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, बातें मैं हवा में नहीं करूँगा, 100% रियल वर्किंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, आप मेरी वीडियो को जो है कभी भी मत देखना, ठीक है। चलो फ्रेंड, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेगा, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपने ध्यान से देखना है, लेट्स गो। तो फ्रेंड, छोटा मिस्टेक बड़ा ही प्रॉब्लम बन सकती है, तो यहाँ पे जो बातें मैं आप लोगों को करा दूंगा वही आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का जो डेटा है उसको ऑन करना है, उस सिम पे ऑन करना है जिस सिम में आपका MB होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन आने के बाद आपके पास चाहे प्ले स्टोर वाला गेम है, चाहे APK प्लस OBB, जो भी गेम आपका मोबाइल में पड़ा है उसको आपने अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। इस तरीके से डिलीट करना है, ठीक है। गेम तो डिलीट हो गया, अभी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। वापस Z Archiver पे आना है, ठीक है। जैसे आप Z Archiver में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो कार्ड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 2 APK 1 OBB आप देख सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है AK ALL MAP APK, AK APK मोड बसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, ये जो ALL MAP APK, ठीक है, इस पे ऊपर क्लिक करके इसको जो है आपने इंस्टॉल करना है अपनी मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। तो ये सिर्फ इंस्टॉल से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारा काम है, वो भी आपने लाजमी से समझ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे ऊपर क्लिक करना है, ये जो ALL MAP का जो APK पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है अपनी मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड में ये जो ALL MAP का APK आपका मोबाइल स्क्रीन में इंस्टॉल, ALL MAP का जो APK वो इंस्टॉल हो गया हमारे मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। तो यहाँ से आपने ओपन पे ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन पे ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसको आपने इस तरीके से एलो करना है, ठीक है। एलो करने के बाद ये जो ALL MAP का APK ये आपका मोबाइल में ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसको आपने मतलब ध्यान से समझ लेने, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ध्यान से देखने, वो आपने यहाँ से मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपने वापस आना है, ठीक है। अपने Z Archiver पे Archiver आने के बाद ये जो दूसरा APK मोड बसीज है, ठीक है। अभी पहले तो ALL MAP APK आपने इंस्टॉल किया मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। बैक आ गया वापस Z Archiver में, ये जो APK मोड बसीज है इस पे ऊपर क्लिक करके इसको जो है आपने इंस्टॉल करना है अपनी मोबाइल स्क्रीन में, पहले उसको इंस्टॉल करना है ALL MAP वाला, बाद में ये APK मोड बसीज को आपने इंस्टॉल करना है अपनी मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये वाला अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन में इंस्टॉल हो जाएगी, वो मैं आप लोगों को आगे तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये भी इंस्टॉल हो गया हमारा मोबाइल स्क्रीन में, यहाँ पे लिखे अपडेट, इस पे ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने वेट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल, आप देख सकते हैं अभी आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो APK मोड बसेज है आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपने डायरेक्ट ओपन पे ऊपर क्लिक करना है, OBB का जो बात है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है, उसको आपने छोड़ देना है एक मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ से जो है आपने ये दोनों APK अपने मोबाइल के अंदर आपने इंस्टॉल किया, तो अब यहाँ पे आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल जो है ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब रेड स्क्रीन आएगा, उसको आपने छोड़ लेना है। इस तरीके से आपका मोबाइल का जो डाटा है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जा रही है, अभी हमारा गेम जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गेम यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। अभी हमारा गेम बिना OBB के, ठीक है, अभी OBB हम उठाएगा गेम के अंदर पेस्ट करेगा, वो आपने ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आप AARP दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेसिंग बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने बैक नहीं करना है, वापस इस बटन पर क्लिक करना है, मतलब बीच बीच वाला बटन पे, ठीक है। वापस आपने आया Z Archiver, ठीक है, आप यहाँ पे वापस जो है Z Archiver पे आ गया है। Z Archiver से आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने जाना है, ठीक है, स्टोरेज में, ठीक है, एंड्रॉयड पे जाना है, OBB पे जाना है, ठीक है।
यहाँ पे जो डॉट कॉम मिलियो का जो फोल्डर है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओबीबी फोल्डर से इसको आपने डिलीट करना है, ठीक है। ओबीबी फोल्डर से आपने डॉट कॉम मिलियो फोल्डर को डिलीट कर लेना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद वापस बैक आना है, ठीक है, वापस डाउनलोड फोल्डर पे जाना है, ठीक है। ये जो डॉट कॉम मेलियो बसेज है इस फोल्डर के अंदर आपको ओबीबी देखने के लिए मिलेगा, ओबीबी आपने काफ़ी नहीं करना है, ठीक है। ये जो मुकम्मल फोल्डर है, ठीक है, मुकम्मल फोल्डर आपने यहाँ पे कट कर लेना है, ठीक है। आप लेके कट जो कैंची का आइकन है इस पे ऊपर क्लिक करके यहाँ से कट करना है, यहाँ से बैक जाना है, एंड्रॉयड पे जाना है, ओबीबी पे जाना है, ठीक है। तो ओबीबी फोल्डर के अंदर आपने वही फोल्डर को पेस्ट करना है, ठीक है। ओबीबी के अंदर वही फोल्डर को आपने पेस्ट किया, आप देख सकते हैं नीचे आ गया डॉट कॉम मेलियो बसेज, इसको आपने ओपन करना है, इसके अंदर आपको ओबीबी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, ठीक है, वापस जो है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम को जो आपने ओपन करना है, तो भाई साहब आपका गेम जो है 100% वर्किंग हो गया। आप जो लेवरेज चेंज करेगा टूल प्लाजा पे जाएगा तो भाई आपका गेम रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लेवरी मतलब चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक फोल्डर बना करके आप लोगों को मतलब लाइव प्रूफ मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो कोई लीवरेज चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं आप लोगों को लीवरेज चेंज करके दिखाता हूँ, लाइटिंग वगैरह ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर लीवरी उठाऊंगा, ठीक है। तो इस लीवरी को जो है मैंने उठा लिया है, ठीक है। चलो ये लेवरी बस पे लगा दूंगा, ठीक है। इस लेवरी को मैंने उठा लिया है, ठीक है। आप देख सकती है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया, फ्री बाई फ्री में लेवरी बस पे ऊपर ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बस पे ऊपर लाइटें लगाएगा, ठीक है, आप मैं आप लोगों को लाइट ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इस लाइट को जो है मैंने बस पे ऊपर ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख मतलब ऐड किया, क्योंकि अभी मतलब 56,000 RP वहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्री ऐड पे क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे वॉच ऐड पे क्लिक करेगा, तो भाई ये जो है आपका मोबाइल में जो है फ्री ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी प्रॉब्लम आपके पास आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप का प्रॉब्लम था भाई, मैप भी आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक जितना भी मैप है वो सब भी फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ, ये मैप आप देख सकती है फ्री में आपका मोबाइल में अंदर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके पास कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकती है जॉब रिवार्ड, अब इस पर मैंने क्लिक करके इसको मैंने इजीली ले लिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपके पास कभी भी नहीं आएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, वीडियो को आपने लाइक करना है, प्यारा सा आपने मुझे कमेंट करना है, चैनल पर पहली बार है तो काइंडली चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो आपने प्रेस कर, ताकि मजीद ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अपना ख्याल ज़्यादा रखना है, अल्लाह हाफिज़। जिस बाइक को डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता है वो आपने इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इस पे ऊपर क्लिक करेगा तो ये आप थोड़ा सा ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पे लिखे क्लिक योर टू कंटिन्यू, इस पे ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने 15 सेकेंड है वो आपने वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 15 सेकेंड कम्प्लीट हो जाती है, सिर्फ एक दफ़ा डाउनलोड करने का तरीका सीख लो भाई, तीनों इसी तरीके से डाउनलोड होता है, ठीक है। यहाँ पे गो टू लिंक मतलब इस पे ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पे लिखे प्लीज़ वेट, दोबारा से आपने क्लिक करना है, टू गेट टू लिंक पे ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपने 15 सेकंड वेट करना है, इसी के बाद आपके पास जो है मीडिया फाइल लिंक आएगा, मीडिया फाइल लिंक तो आप इजीली डाउनलोड कर सकती है। क्लिक योर बैनर अनलॉक लिंक, मतलब बैनर पे ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपके पास ऑटोमेटिक आएगा मतलब स्क्रॉल डाउन, तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको एक बटन मिलेगा कंटिन्यू, आप देख सकती है इस कंटिन्यू पे ऊपर जैसे आप क्लिक करेगा तो आपका मोबाइल में ऑटोमेटिक जो APK या चाहे OBB है वो सेम टू सेम इसी तरीके से सारा आपने ही डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आप लिखे गेट लिंक पे जैसे आप क्लिक करेगा आपके पास मीडिया फाइल लिंक आएगा, मीडिया फाइल लिंक तो आप इजीली डाउनलोड कर सकती है, हल्का सा क्लिक करना है आपका मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लगाने का तरीका तो मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पर पहला बार तो सब्सक्राइब कर लो, अल्लाह हाफिज़, बाय।